एज एन इंडी गेम डेवलपर तुम्हें पता होगा कि एक कंप्लीट प्रॉपर गेम कैसे बनता है, एंड तुम्हें ये भी पता होगा कि ऐसे गेम बनने में कितना टाइम लगता है। फर्स्ट मेकिंग गेम डिजाइन, जो तुम्हें प्रोग्रामिंग से ज्यादा आती है। देन यूनिटी में गेम का प्रोटोटाइप, जिसमें तुम कैप्सूल की धज्जियां उड़ा देते हो। देन गेम में बग आएगा जिसको तुम उड़ा दोगे। देन गेम में और बग्स आएंगे जिसको तुम फीचर बना दोगे। देन गेम में और फीचर्स आएंगे और तुम नाचोगे। देन गेम में फीचर्स विद फैमिली आएंगे एंड तुम स्टिल नाचोगे। देन फीचर्स तुम्हारे छाती पे नाचेंगे। देन यू विल डाई कॉज यू आर डम। देन तुम्हें गेम के लिए एसेट्स चाहिए। स्केच फैब पे गए और मिला घंटा। एसेट स्टोर पे गए औकात के बाहर। नाउ अभी तुम लोग गेम का आर्ट खुद ही बनाओगे, जिसमें ना ही तुम्हारे पास स्किल है और ना ही दिमाग। देन यू मेक ब्लेंडर इन द ब्लेंडर। देन द म्यूजिक एंड द साउंड इफेक्ट्स, जो तुमने कहीं से चुराए हैं। एंड नाउ द गेम इज रेडी। नो ये चीज जरूरी नहीं है कि तुम्हें गेम बनाने के लिए हर चीज में एक्सपर्ट होना होगा। गेम एसेट्स एंड गेम आर्ट, ये दोनों ऐसी चीजें हैं जो बहुत से लोग खुद बनाते हैं एंड बहुत से लोग बाहर से बनवाते हैं। एंड यही दोनों ऐसी चीजें हैं जो तुम्हारा टाइम बहुत कंज्यूम करती है। एंड इसको डॉच करने के लिए मुझे एक AI मिला है, जिसमें तुम लोग गेम के कैरेक्टर्स, एनवायरमेंट, टेक्सचर्स, वेपन्स, GUI एंड इससे भी ज्यादा जो तुम्हारे माइंड में आए वो क्रिएट कर सकते हो, जो सिर्फ तुम्हारे लिए एक्सक्लूसिव रहेंगे। एंड वो है सिनारियो, अ पावरफुल AI गेम एसेट जनरेटर एंड ऑल्सो द स्पॉन्सर ऑफ दिस वीडियो। एंड आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम इस AI का यूज करके कैसे अपने गेम के लिए यूनिक एसेट्स बना सकते हो, बिकॉज आई नो कि तुम लोग मेरे से भी ज्यादा लेजी हो। 12 बजे उठते हो ना तुम। सो ये है सिनारियो, जहाँ तुम लोग अमेजिंग गेम एसेट्स क्रिएट कर सकते हो। यहाँ तुम्हें सबसे पहले ये स्क्रीन दिखेगी एंड तुम्हें इसके AI को एक्सेस करने के लिए यहाँ अकाउंट बनाना पड़ेगा, जो कि बहुत इजी है, कोई भी ईमेल से बन जाएगा। एंड सिनारियो मोबाइल एंड PC दोनों के लिए है। सो अगर तुम लोग मोबाइल में गेम बनाते हो तो तुम भी ये AI यूज कर सकते हो। एंड सिनारियो में एक बार अकाउंट ओपन करने के बाद तुम्हें सीधे ये स्क्रीन दिखेगी। ये तुम्हारा वर्कस्पेस है, जहाँ तुम लोग अपने गेम के एसेट्स जनरेट करते हो एंड तुम लोग मल्टीपल वर्कस्पेस भी बना सकते हो एंड और भी चीजें हैं, बट हम सबसे पहले एसेट जनरेशन देखेंगे। काम के बाद सबसे पहले ये सेक्शन तुम्हें जनरेट इमेज में मिल जाएगा। इसमें तुमको जनरेटर्स मिल जाएंगे, जिसे तुम आर्ट स्टाइल भी बोल सकते हो। एंड सिनारियो तुम्हें ये भी पावर देता है कि तुम अपने गेम एसेट का आर्ट स्टाइल खुद भी बना सकते हो। यस, तुम लोग अपने खुद के आर्ट स्टाइल के जनरेटर्स ट्रेन कर सकते हो एंड उससे अपने गेम के एसेट्स बना सकते हो। आर्ट कैसे जनरेट करे ये हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले एसेट जनरेटर। एंड यहाँ पे एसेट जनरेट करना बहुत ही इजी है, बस तुम्हें लिखना है कि तुम्हें कैसे एसेट्स चाहिए एंड जनरेट एसेट पे प्रेस करोगे तो सिनारियो का AI तुम्हारे लिए एसेट जनरेट करना स्टार्ट कर देगा। एज यू कैन सी जस्ट अ क्लिक। एंड तुम्हें एक साथ कितने एसेट जनरेट करने हैं वो भी तुम लोग यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। एंड इस सैंपल वैल्यू के जरिए तुम अपने जनरेटेड इमेज की क्वालिटी भी एडजस्ट कर सकते हो। जितने ज्यादा तुम सैंपल्स बढ़ाओगे उतनी ज्यादा डिटेल्ड इमेज जनरेट होगी, बट जितने ज्यादा सैंपल्स उतना ज्यादा टाइम। सो यूज इट केयरफुली। एंड ये है इमेज टू इमेज पैरामीटर, जो कि एसेट जनरेशन के लिए सिनारियो का सबसे पावरफुल टूल है। इस सेटिंग में तुम जो भी अपनी रेफरेंस इमेज डालोगे तो सिनारियो इतना पावरफुल है कि उसी रेफरेंस इमेज से तुम्हें और भी ज्यादा एडवांस्ड वेरिएंट्स जनरेट करके देगा। एंड नॉट इवन वेरिएंट्स, तुम लोग इसकी गाइडेंस की वैल्यू एडजस्ट करके जनरेटिंग इमेज तुम्हारे रेफरेंस इमेज से कितनी मैच होनी चाहिए वो भी डिसाइड कर सकते हो। एंड दिस इज ऑल्सो वाई कि मुझे सिनारियो पर्सनली इतना पसंद क्यों है। विद दिस इमेज टू इमेज टेक्नोलॉजी तुम लोग ऑलमोस्ट कोई भी एसेट जनरेट कर सकते हो। यस, कोई भी, इवन कैरेक्टर्स भी। बस रेफरेंस इमेज डालो एंड देन यू कैन सिंपली डाउनलोड द एसेट। एंड तुम फोटोशॉप में इसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो, बट तुम लोग सिनारियो से ही बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो विद ज्यादा एक्यूरेसी के साथ। देन यू कैन सिंपली यूज इट इन योर गेम। तुम इसको सीधे यूनिटी में इम्पोर्ट करके यूज कर सकते हो, लाइक तुम लोग स्प्राइट एडिटर में एडिट कर सकते हो। एंड इवन तुम लोग सिनारियो से कैरेक्टर डाउनलोड करके ब्लेंडर में उसको एनिमेट भी कर सकते हो। अगर तुम्हें इसकी प्रोसेस देखनी है तो मैं इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड सिनारियो गेम की सिर्फ प्रॉप जनरेट करके नहीं देता, बल्कि तुम लोग यहाँ पे गेम के एक से कैरेक्टर्स एंड NPCs जनरेट कर सकते हो। एंड यहाँ पे हर एक जनरेशन पे एक यूनिक कैरेक्टर बनता है, जो आज से पहले कभी एग्जिस्ट नहीं करता था। एंड इसकी इमेज टू इमेज टेक्नोलॉजी तुम्हें कैरेक्टर की पोजीशन एंड एक्यूरेसी प्लेस करने में मदद करेगी। लाइक यू कैन सी मैंने खुद को इमेज टू इमेज में डाल दिया है। सो अभी जो भी कैरेक्टर जनरेट होंगे वो मेरे ही पोज में आएंगे। ये शेमड़ा कौन है बे? या एक और डेमो देखते है। मैं एक हॉरर गेम बना रहा हूँ, राइट? सो मुझे चाहिए एक इंडियन विलेज। ये इंडिया में एलियंस कब घुस गए बे? लेट्स सर्च फॉर गेम के NPCs। ओह शिट। एज यू कैन सी तुम गेम के लिए अच्छे NPCs का आर्ट भी क्रिएट कर सकते हो। नाउ लेट्स सी कि तुम लोग अपना खुद का आर्ट जनरेटर कैसे क्रिएट कर सकते हो, जिससे तुम लोग फिर अपने आर्ट स्टाइल के एसेट जनरेट कर पाओगे। तुम्हें होम पेज पे क्रिएट जनरेटर का सेक्शन मिल जाएगा, बस यहाँ जाके यूर जनरेटर में जाके तुम लोग अपना खुद का जनरेटर क्रिएट कर सकते हो। लेट्स मेक वन। सो एक अच्छा आर्ट स्टाइल जनरेटर बनाने के लिए तुम्हें चाहिए एक ही आर्ट के बहुत सारे इमेजेस, 5 से ज्यादा और 100 से कम। एंड जितनी ज्यादा इमेजेस होगी उतना ज्यादा तुम्हें अच्छा आउटपुट मिलेगा। चलो अभी के लिए मेरे इमेजेस यूज करते हैं, क्योंकि मेरे सभी इमेजेस में लो क्वालिटी आर्ट ही यूज हुआ है। एंड इमेज डालने के बाद बस तुम्हें
डिफाइन करना है कि जो तुमने इमेजेस इसको दी है वो है क्या। लाइक आई सिलेक्टेड कैरेक्टर बिकॉज आई एम अ कैरेक्टर, खेबड़े बेंडू किसको बुलावे। देन यू कैन सिंपली ट्रेन योर जनरेटर, एंड ये न्यूरो बेस्ड मशीन लर्निंग है सो इसको जनरेट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, जिसके बाद तुम इससे अपने खुद के एसेट्स जनरेट कर सकते हो। सो एज यू नो कि मैं अंतर्यामी हूँ तो इसीलिए मैंने टाइम को स्किप कर दिया। एंड नाउ अभी तुम जो भी इसको इनपुट दोगे तो ये तुम्हारे स्टाइल में तुम्हें इमेज एसेट जनरेट करके देगा। एंड एज यू कैन सी आई मेड मेनी। वेट, व्हाट द हेक डू यू मीन बाय व्हेन? योर मॉम टकला टकला। एंड इसी ऐसे तुम अपने गेम के लिए एक से एक यूनिक एनवायरनमेंट भी बना सकते हो। इवन हाउसेस, ट्रीज, रॉक्स, फ्लावर्स, बेब्स, वेपन्स, माउंटेन्स। एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ हुआ। एनीवेज बट द पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस, एंड बहुत से लोगों ने भी इसमें एसेट्स बनाए जो कि अभी भी वो अपने गेम में यूज कर रहे हैं। एंड ये AI अभी तो फ्री है बट बाद में कभी भी ये पेड हो सकता है। सो अभी तुम जितने भी एसेट्स बना सकते हो बना लो। AI का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से तुम लोग चेकआउट कर सकते हो। एंड ये AI सिर्फ गेम डेवलपर्स के लिए नहीं है, इसे कोई भी यूज कर सकता है। एंड तुम लोग इसको PC एंड मोबाइल दोनों में यूज कर सकते हो। एंड इनका डिस्कॉर्ड बॉड भी है जो कि ऑल्सो एसेट जनरेशन में कैपेबल है। सो तुम लोग इनके डिस्कॉर्ड सर्वर पे जाके वो भी चेक कर सकते हो। एंड एक और मेन चीज, ये लोग 3D फॉर्मेट के ऊपर भी काम कर रहे हैं, जिससे तुमको यहाँ पे 3D मॉडल्स भी मिल जाएंगे, एंड वो भी AI जनरेटेड। एंड ये चीज बहुत जल्दी ही आने वाली है। सो देन तुम लोग सिनेरियो से ही 3D मॉडल्स उठा पाओगे। सो अभी जाके सिनारियो के AI को विजिट दो और अपने खुद के यूनिक एसेट्स बनाओ। एंड थैंक यू सो मच सिनारियो फॉर सपोर्टिंग द चैनल। एंड हाँ, मैं ट्यूटोरियल एंड डेवलप पे भी वर्क कर रहा हूँ, सो वो भी जल्दी आएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।